इटालियन ड्यूक है इटली का ड्यूक है ही इज़ वेरी क्रूअर ही इज़ वेरी सेल्फिश एंड ही इज़ वेरी ग्रीडी एंड ईगोइस्ट ईगो बहुत है प्राउडी है अभिमानी एंड हिज डचेस इज वेरी स्वीट ब्यूटिफुल काइंड हार्टेड लेडी वेरी जेंटल लेडी बहुत ही अच्छी है वो और ड्यूक इसी बात को टॉलरेट नहीं कर सकता दैट्स इज सो नाइस एंड तो इसमें ड्यूक जो है वो डचेस का आ, मर्डर करवा देता है और मर्डर के बाद जब वो आ, डेथ हो जाती है डचेस की तो एक पास से किसी दूसरी स्टेट से एक दूत आता है रिश्ता लेकर राजा की बेटी का और ड्यूक उसको कहता है कि देखो वो एक पेंटिंग बनवा रखे है डचेस की वो पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो कि फरा पेंडोल्फ पेंटर ने बनाई थी आर्टिस्ट ने बनाई थी तो जो भी आते है कोई भी दूध आता है कोई विजिटर आता है और वो उस पेंटिंग के आगे कर्टन लगा हुआ है पर्दा लगा हुआ है तो ड्यू की इजाज़त के बिना ड्यू के बिना उस पर्दे को कोई नहीं हला हटा सकता तो वो ड्यूक है जो दूध को दिखाता है कि देखो वो पर्दा हटाता है उसके लिए कहते हैं प्लीज़ टेक योर सीट एंड वॉच देखिए दैट इज़ माय लास्ट टचस पेंटिंग ऑन द वॉल पर्दा हटाते वो कहते हैं That is my देट painted on the wall looking as if she were alive अलाइव कहते तो देखो ये रही मेरी painted on the wall। is इस, ये इसकी जो पेंटिंग है जो डचेस की पिक्चर है वो वॉल पर बनी हुई है लुकिंग एज she सीवर अलाइव देखो दीवार पर ये लगी हुई है और ऐसे लग रही है जैसे वो जिंदा हो मतलब इतना सुंदर है आर्टिस्ट की कलाकारी इतनी सुंदर है इतनी सुंदर बनी हुई है डचेस की पिक्चर उसकी इमोशंस उसकी फीलिंग्स हैं जो इतनी क्लियर हैं उस पिक्चर में कि देखने वाला हैरान रह जाता है और दैट्स वाई एब्रप्ट बिगिनिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड कौन बोल रहा है पोइम में ड्यूक ड्यूक क्या कह रहा है दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग हैज देव सीवर तो देखिए ये नहीं मेरी डचस जो कि दीवार पर जिसकी पेंटिंग लगी हुई है और ऐसे दिख रही है जैसे कि ये बिल्कुल जिंदा हो आई कॉल दैट पीस अ वर नाव कहते इस पीस को कला के इस नमूने को मैं बहुत ही वंडरफुल कहता हूँ बहुत ही सुंदर है ये फरा पेंडोल्स हैंड वि डे एंड देर सी स्टैंड पेंडोल पेंटर है आर्टिस्ट है जिसने वो बनाई है इसलिए पोइटी कह सॉरी ड्यू कह रहे हैं Sorry, रहे है कि इसने इसको बनाने में फरा पेंडोल्फ ने वर्क बिजली डे पूरे दिन मेहनत की है एक दिन एंड देर सिस्टेंट्स और तब ये पेंटिंग बनाई थी पूरा एक दिन लगने के बाद विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर तो दूध को कह रहा है ड्यूक कि प्लीज आप बैठोगे देखो इसको लुक एट हर देखो क्या देखोगे क्वेश्चन मार्क है आई सेड मैंने कहा ड्यूब ने कहा फरा पेंडोल्फ बाई डिज़ाइन कहते हैं मैंने ये फ़रा पेंडोल्फ का नाम जो लिया है वो जान बूझ कर बाई डिज़ाइन जान बूझ कर आपको के सामने लिया है फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेज द डेफ्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अरनेस्ट ग्लान्स बट टू माई सेल्फ दर्न सिंस नन पुट्स बाई द करटन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई अब थे फरा पंडोल का नाम मैंने जानबूझ कर लिया है फोर क्योंकि नेवर रीड स्टेंजर्स लाइक यू फोर नेवर रीड स्ट्रेंजस लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेंस कि जो आप जैसे स्ट्रेंजर्स आते हैं और इस पिक्चर को देखते हैं द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट गैलास इस पिक्चर में जो गहराई है जो भावनाएं हैं जो नज़र आती हैं बट माई सेल्फ दे ट वो समझ नहीं पाते कि इतनी गहराई इतनी सुंदर भावनाएं इसमें जो दिखाई दे रहा है वो कैसे आई कैसे डचेस इतनी सुंदर लग रही है इसमें बट टू माई सेल्फ दे ट आप जैसे जो दूत हैं आप जैसे बैठते हैं और देखते हैं तो मेरी तरफ वो मुड़ते हैं पूछने के लिए सिंस नन पुट्स बाय द कर आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई कहते जो पर्दा मैंने आपके लिए कर्टन, जो पर्दा मैंने आपके लिए हटाया है आई हैव ड्रॉन फॉर यू हटाया है बट आई वो सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ और कोई से हटा नहीं सकता मतलब किसी को भी इजाज़त नहीं है कि डचेस की पेंटिंग को कोई कर्टन हटा कर देख ले एंड सीम्ड एज दिस वुड आस्क मी इफ देस मीन डेयर Saha sayha. How such a gallant come there so? Not the first are you to turn and ask thus. एंड सीम्ड और ऐसा लगता है जैसे आप आ, आपने देखी और आप हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये इतनी है डेयर उनमें साहस हो पूछने का मतलब यहाँ दे does, यहां यह वो शक करना चाहते हैं कि आसानी से मुझे कोई पूछ नहीं सकता मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है तो इतना प्राउड ही है वो इतना प्राउड फील करता है हाउ सच ए ग्लांस कम देयर सो अगर कोई पीछने की हिम्मत करे तो ये पूछता है सर ये इतनी जो भावनाएं आई इसमें इतनी गहराई है वो कैसी आई नॉट द फर्स्ट ऐसी तुम तुम्हारे जैसी नज़र तुम्हारे पूछ रही है मुझसे तो तुम पूछने वाले फर्स्ट नहीं हो आर यू टू टर्न एंड आस्क दस आप जैसे मुड़े और आप पूछना चाहते हो ये कि ये कैसे आई तो ऐसे आप फर्स्ट नहीं हो जो भी ऐसे देखता है इसे उसके मन में क्वेश्चन उठता है और अगर हिम्मत हो तो मुझसे पूछता है हाउ सच ए ग्लांस कम देअर सो कि कैसे भावनाएँ सर ये आई सर इट वॉज नॉट हजब ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डे फर एप एंड ऑल चांस टू से हर मेंटल लेप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट हो पेंट मस्ट नवर हॉप टू रिप्रोड्यूस देंट हा प्लस द डाईज अलॉन्ग हर थ्रॉट अब ये जो स्टेंजा है इम्पोर्टेंट है सर इट वॉज नॉट हर हजबेंड्स प्रजेंस ये कोटेबल लाइन्स हैं तो पहले इसको शॉर्ट में समझें कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ ड्यूक ड्यूक यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जो गहराई नज़र आ रही है ना आपको जो स्माइल नज़र आ रही है चेहरे पर जचस के वो मैं खड़ा हूँ उसका हस्बैंड सामने खड़ा है इसलिए खुश नहीं है वो बल्कि क्या है उसकी जो चेहरे पर उसके गाल पर जो जॉय नज़र आ रहा है जो खुशी नज़र आ रही है जॉय है जो वो शायद फरा ने ये कह दिया हो कि मैडम हर ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच कि आपकी जो कलाई है वो ज़्यादा ढकी हुई है और जो आपकी जो ए, ए, खुशी है आपके चेहरे पर जो आपकी सुंदरता है जो गले तक ख़त्म हो जाती है खुशी वो उसको शायद ही कोई इतना सुंदर प्रेजेंट कर सके मतलब वाकई आप इतनी सुंदर हो कि पिक्चर में आपकी सुंदरता को प्रेजेंट करना मुश्किल है शायद फरा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा हो और खुश होकर उन्होंने ऐसी स्माइल दी हो तो ड्यूक यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी जितने की औरों कोई और उसकी तारीफ कर दे तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर थैंकफुल करती थी थैंक्स देती थी स्माइल देती थी अगेन आई रिपीट द लाइंस सर इट वॉज नॉट हर हजबेंड प्रजेंस ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक तो ड्यू किसको बता रहा है मैसेंजर को दूध को कि सर ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस के कारण उसके चेहरे के गालों पर खुशी नहीं है पर शायद फरा पेंडोल चांस टू से चांस में अवसर शायद फ़रा पेंडोल जो आर्टिस्ट था कलाकार था जो पेंटिंग बना रहा था पेंटर तो उसको अवसर मिला हो कहने का हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्ट हो मच मेंटल होता है क्लॉथ जो उन्होंने चोगा लंबी बाजू वाला पहन रखा था वो गाउन तो शायद उन्होंने ये कहा हो कि मैडम मे माई लेडी मीस मैडम आपके जो जो कपड़ा है जो वो रिस्ट तक बहुत ज्यादा आया हुआ है मतलब कलाई पूरी ढकी हुई है तो वो ज्यादा है